हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश। आप देख रहे हैं दानिश फूडी। दोस्तों, आज हम बनाने आ रहे हैं चिकन नूडल्स। दोस्तों, चिकन नूडल्स के लिए ये हमने चिकन ले लिया है बोनलेस। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर आधा चम्मच, गैस का फ्लेम बंद करने के बाद हम नूडल्स को पसा लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने नूडल्स पसा लिया है और इसको ठंडे पानी से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल हमें थोड़ा सा ऐड करना है, ज़्यादा नहीं। फिर हम इसको इस तरीके से अलग अलग नूडल्स कर लेंगे। इस तरीके से हम नूडल्स को फैला देंगे। अब नूडल्स अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम अपनी सब्जियाँ कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने कढ़ाई ले ली है, अब हम गैस जलाएंगे। कढ़ाई आप वही लेंगे जो सबसे हल्की कढ़ाई हो। कढ़ाई जब गर्म हो जाएगी तो हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। हमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, ज्यादा नहीं। फिर हम ऑयल को पूरे में फैला लेंगे इस तरीके से। ऑयल को फैलाने के बाद इस तरीके से हम टिश्यू ले लेंगे। फिर हम ऑयल को ऐसे साफ कर लेंगे। गैस का फ्लेम हाई रहेगा, लो नहीं करेंगे हम लोग। ये देखिए, हमने ऑयल साफ कर लिया है। इस तरीके से आप नूडल्स बनाएंगे तो नूडल्स जो होगी कढ़ाई में चिपकेगी नहीं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल।
ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। ये हमने दो प्याज लिए मीडियम साइज, अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे। अब हम प्याज चला लेंगे इस तरीके से। सब्जियां हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी। बंद गोभी ऐड करने के बाद फिर हम इसको चला लेंगे और गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है, लो नहीं करेंगे। चलाने के बाद इस तरीके से कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, वो भी 2 चम्मच। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद फिर हम चला लेंगे। चलाने के बाद अब हम ऐड करेंगे इसमें गाजर। एक गाजर लिए हमने मीडियम साइज, अब हम इसको ऐड कर देंगे इसमें। इस तरीके से गाजर को हमें कट करना है। गाजर ऐड करने के बाद अब हम ऐड करेंगे इसमें शिमला मिर्च, ये भी 1 शिमला मिर्च है मीडियम साइज। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद अब हम ऐड करेंगे ग्रीन प्याज का वाइट हिस्सा। अब हम इसको चला लेंगे इस तरीके से। चलाने के बाद अब हम ऐड कर देंगे इसमें चिकन जो हमने फ्राई किया था। चिकन ऐड करने के बाद फिर हम चला लेंगे इस तरीके से। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नूडल्स जो हमने बॉईल की थी। देखिए एक एक नूडल्स अलग है, इसी तरीके से हमें फैला लेंगे तो नूडल्स अपनी एक एक अलग हो जाएगी। नूडल्स ऐड करने के बाद अब हम ऐड कर देंगे विनेगर 1 चम्मच। फिर हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस 2 चम्मच, वो भी डार्क सोया सॉस है ये। सोया सॉस ऐड करने के बाद अब हम ऐड करेंगे रेड चिली सॉस 2 चम्मच ऐड करेंगे। अब हम ऐड करेंगे ग्रीन चिली सॉस 2 चम्मच, 1 चम्मच, 2 चम्मच। अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर 1/2 चम्मच, व्हाइट पेपर 1/2 चम्मच, नमक आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। फिर हम चम्मच के पीछे के हिस्से से इस तरीके से चला लेंगे। इसी तरीके से हमें अपनी नूडल्स को पलटना है। गैस का फ्लेम हम लो नहीं करेंगे, हाई रखेंगे और बहुत स्पीड में हमें सारी सामग्री ऐड करना है। स्पीड नहीं होगी हाथों में तो अपनी नूडल्स जल जाएगी और अपनी सब्जियां ज़्यादा फ्राई हो जाएंगी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन ऑनियन। और ऊपर से टमाटो केचप। फिर हम इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों नूडल्स अपनी तैयार है। अब हम आपको इसको सर्व करके दिखाते हैं।
फाइनली दोस्तों चिकन नूडल्स सर्व होकर आ चुकी है। देखने माशाल्लाह कितनी अच्छी और कितनी टेस्टी लग रही है। दोस्तों आपको चिकन नूडल्स की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको चिकन नूडल्स की रेसिपी कैसी लगी। हम आपके लिए इसी तरीके से डेली बेस में नई नई रेसिपी लेके आते रहते हैं, बस आप अपना सपोर्ट बना के रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।